करते हैं 100 शहर 100 खबर की। यूपी वासियों को पीएम मोदी की सौगात, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, एक्सप्रेसवे का देखा मॉडल। पीएम ने जालौन वासियों को दिया मोदी मंत्र, कहा जो पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, सरकार बदली तो मिजाज भी बदल रहा है। यूपी वासियों का पीएम मोदी ने शुक्रिया जताया, कहा बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का उपहार देते हुए बहुत खुशी हो रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति देगा। जालौन में पीएम मोदी की सभा में लगे मोदी योगी के नारे, पीएम मोदी को सुनने के लिए उमड़ा सैलाब। जालौन में कला का दिखा भव्य समागम, कलाकारों ने मनमोहक पेशकश से बांधा समा। सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार, कहा आज बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। ड्रीम प्रोजेक्ट पर बोले सीएम योगी, 2.5 साल से दुनिया कोरोना से जूझ रही और हमने महज 28 महीने में एक्सप्रेसवे का काम पूरा किया। मंच पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, हाथे लाकर पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन किया। लुलू मॉल के बाहर हिंदू संगठनों का हंगामा, लुलू मॉल पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। लुलू मॉल के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, लुलू मॉल में करणी सेना ने चालीसा पाठ का ऐलान किया था। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज के विरोध में प्रदर्शन, करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया। नमाज विवाद के बाद लुलू मॉल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, मॉल के बाहर तैनात किए गए पीएसी के जवान। लखनऊ के लुलू मॉल में सुंदरकांड पढ़ने के मामले में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया, गेट से अंदर जाते वक्त पुलिस ने 4 को पकड़ा। लुलू मॉल मामले में बोले यूपी सरकार के मंत्री कपिल अग्रवाल, अगर सब जगह नमाज पढ़ी जाएगी तो व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। लुलू मॉल के बाद अब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पढ़ी गई नमाज, स्टेशन पर नमाज पढ़ते दिखे कुछ लोग। अलीगढ़ में अवैध मदरसों पर कार्रवाई होगी, प्रशासन ने टीम गठित की, 120 मदरसे में सिर्फ 33 मदरसे ही आधुनिकीकरण पर आधारित है। यूपी के अमरोहा में योगी सरकार का अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला, सरकारी जमीन पर बनाया गया था मदरसा। लखनऊ में योगी सरकार बनाएगी मेगा टेक्सटाइल पार्क, मलिहाबाद में 1000 एकड़ जमीन पर पार्क बनेगा। लखनऊ में अधिकृत पेन से ही मतदान कर पाएंगे एमपी एमएलए, राष्ट्रपति चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग के पेन से होगा मतदान। प्रयागराज जिला न्यायालय में मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी पर सुनवाई, देवरिया जेल में बंद है हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद। मेरठ में हिंदू युवक पर जानलेवा हमला, जय श्री राम का स्टेटस लगाने से भड़के कट्टरपंथी, सिर तन से जुदा करने की धमकी के बाद पिटाई। 8 से 10 मुस्लिम युवकों पर हमला करने का आरोप, हिंदुवादी नेता होने की वजह से पिटाई की, पीड़ित दीपक ने भागकर अपनी जान बचाई। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का दोस्तों के साथ जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल, आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने ट्विटर के जरिए जांच की मांग की। महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मुद्दा गरमाया, डासना देवी मंदिर के महंत पर गाजियाबाद के मसूरी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। ललितपुर के बमोहिरसर गांव में अजगर का खौफ, बकरी को निवाला बनाते अजगर का वीडियो वायरल। आगरा में जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने बाजार बंद किया, बढ़ते जीएसटी के दामों को लेकर व्यापारियों में गुस्सा, एक दिन की हड़ताल पर पहुंचे सभी व्यापारी। आगरा में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती का मामला, नागपुर से दिल्ली के लिए हाथों में तिरंगा लेकर पैदल निकले युवा, वर्दी दो या अर्थी दो के नारे लगाए। शामली में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, एक फरार। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल तस्कर शरद गोस्वामी की गैंग के सदस्य मुठभेड़ में घायल। नोएडा सेक्टर 12 में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 5 लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद। यूपी एसटीएफ ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा किया, नोएडा के सेक्टर 59 के B36 में छुट रहा था सेंटर, मास्टरमाइंड समेत 10 गिरफ्तार। आगरा के दनिया गांव में खेत की मेड़ को लेकर विवाद, दोनों तरफ से 5 लोग घायल हुए, मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, नाबालिग लड़के पर धारदार हथियार से वार किया गया।
अयोध्या मलकीपुर तहसील में तैनात लेखपाल के निजी सचिव और अधिवक्ता में झड़प हो गई। अधिवक्ताओं ने निजी सचिव पर जमकर बरसाए थप्पड़। रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला की आंख में मिर्च पाउडर डालकर बदमाशों ने सोने की चेन लूटी। बस्ती के कलबारी थाना में पुलिस पर पीड़ित को थर्ड डिग्री देने का आरोप, पीड़ित ने सिपाही आनंद कुमार की आईजी से शिकायत की। झांसी में दुकानदार से सिगरेट लेने के दौरान विवाद हुआ, फायरिंग में 3 लोग जख्मी। आगरा में पैसों को लेकर माता पिता ने बेटे की हत्या की, बेटा चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर रहा था। मृतक के ससुर ने दी पुलिस को सूचना, अध जले शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। शाहजहांपुर में रोडवेज की 2 बसों में टक्कर, हादसे में 7 यात्री घायल। जालौन में सिलेंडर में आग लगने से वैन बनी आग का गोला, वैन में लगी भीषण आग का वीडियो आया सामने, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उन्नाव से अमरनाथ गए 2 लोगों की मौत, बादल फटने से हादसे का शिकार हुए। देहरादून में हरेला पर्व पर वन विभाग ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, सीएम धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, आज बैठक में शिरकत करेंगे सीएम धामी, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम बैठक। आज जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसदों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया, राष्ट्रपति चुनाव से पहले डिनर पार्टी का आयोजन। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का हो सकता है ऐलान। मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय मीटिंग, आज शाम 4 बजे मीटिंग होगी। सीतलवाड़ पर एसआईटी ने कोर्ट में दिया लफनामे में खुलासा किया, गुजरात में सरकार को गिराने की बड़ी साजिश में शामिल थी तीस्ता, कांग्रेस से मिला था पार्टी। मोहम्मद जुबैर को जमानत देने पर कोर्ट की अहम टिप्पणी, कोर्ट ने कहा हिंदू धर्म सबसे पुराना और सहिष्णु धर्मों में से एक है। पटियाला कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते वक्त कहा हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है कि इससे मानने वाले लोग अपने बच्चों का नाम देवी देवताओं के नाम पर रख देते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक को नाबालिग ने गोली मारी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, खाल युवक खतरे से बाहर। जम्मू कश्मीर के डोडा में शिव मंदिर में तोड़फोड़, भगवान शिव की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, 3 महीने में ऐसी 4थी घटना। अमरनाथ हादसे के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन अलर्ट, सूत्रों के मुताबिक गुफा के पीछे एक वाटर बॉडी है, अचानक आई बाढ़ का कारण यही वाटर बॉडी बताई जा रही है। दिल्ली में झमाझम बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। गाजियाबाद में भी जमकर हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, कुछ इलाकों में जल जमाव की खबर। देश के 25 राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी, ओडिशा मध्य प्रदेश तेलंगाना सहित कई राज्यों में अलर्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, घर स्कूल और गाड़ियां सब पानी में डूबे। श्रीगंगानगर में मदद के लिए बुलानी पड़ी सेना और बीएसएफ, जल भराव प्रभावित क्षेत्र में चलाया बचाव अभियान, मोटर पंप से पानी निकालने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से मकान गिरा, सेना के जवानों ने टूटे हुए घर को फिर से बनाने में पीड़ित परिवार की मदद की। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, नदी नालों में उफान से कई गांवों में पानी घुसा, बीजापुर में इंद्रावती और गोदावरी नदी का रौद्र रूप। उत्तराखंड की टिहरी में दिगू वाटरफॉल में डूबा लड़का, एसडीआरएफ और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, देहरादून निवासी रोहित रावत के रूप में मृतक की पहचान। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट, कई इलाकों में उफान पर नदी और नाले बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 102 लोगों की मौत, करीब 8000 लोगों को बचाया गया, ग्रामीण इलाकों में पशुधन को भी नुकसान पहुंचा। मुंबई के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की संभावना, बारिश से आम लोगों को परेशानी इनकी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में गुमशुदा बच्चे की तलाश अभी भी जारी, बीते 3 दिनों से गायब है 7 साल का ऋषि। गुजरात के वडोदरा जिले में बाढ़ का कहर जारी, संभोई गांव में एनडीआरएफ ने 178 लोगों का रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, इलाके में रेड अलर्ट जारी। हिमाचल के कुल्लू में श्रीखंड यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर गिरा पत्थर, एक की मौत 3 घायल। असम में अभी भी 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, बीते 24 घंटे में 1 व्यक्ति की मौत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक दुल्हे ने थर्माकोल की मदद से 7 किलोमीटर की यात्रा तय की, बाढ़ के पानी से होकर गुजरा दुल्हा। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, स्कूल जाने के लिए बच्चों को परेशानी हो रही है। शाहरुख खान और कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया का दिल जीत लिया, इन तीनों दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां एक इवेंट के दौरान ये दोनों कलाकार बैक स्टेज में मिलते नजर आ रहे हैं।
दो गाड़ियों के बीच की जबरदस्त टक्कर, ड्राइवर को नहीं आई खरोच। आगरा के स्ट्रीट डॉग का वीडियो वायरल, वीडियो में डॉग ई रिक्शा की छत पर स्टंट करता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर एक रोते हुए बच्चे का वीडियो वायरल, पढ़ाई के दौरान बच्चे की मां ने उसे डांट लगाई। एक टीचर की विदाई पर स्कूल के बच्चे फूट फूट कर रोए, टीचर के ट्रांसफर के बाद सभी बच्चे मायूस, वीडियो वायरल। दौड़कर आई छोटी बच्ची ने आर्मी जवान के पैर छुए, भावुक होकर फौजी ने भी सिर चूमा, वीडियो वायरल। एक शख्स ने स्नेल बनकर रोड किया क्रॉस, स्नेल की शक्ति में इस शख्स की यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। बच्चा समुद्र में अपने सर्फ बोर्ड के साथ मस्ती कर रहा है, तभी वहां एक समुद्री मैनाटी आ जाता है, मैनाटी बच्चे से उसका सर्फ बोर्ड छीनकर खुद उससे खेलने लगता है। रोबोट पर सवार हुआ गिरगिट, रोबोट के साथ गिरगिट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दंपति ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने का आरोप लगाया, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी से झगड़ा कर रही है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की याचिका को खारिज किया, इमरान ने याचिका में पीएम पद से हटाने के लिए विदेशी साजिश का आरोप लगाया था। श्रीलंका संकट के बीच आज सांसदों की बड़ी मीटिंग, अगले 7 दिन में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। श्रीलंका में गोटबाया के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल, कोलंबो में नाचते गाते नजर आए आम नागरिक। यूक्रेन का एक शहर विनित्सिया में रशियन हमले के बीच बचते नजर आए लोग, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूक्रेन के विनित्सिया हमले पर रूस ने सफाई दी, कहा हमारा लक्ष्य शहर के इमारत पर हमला करना था। ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप में गर्मी की वजह से प्रशासन ने रेड वार्निंग जारी की, गर्म हवाओं की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ब्रिटेन में गर्मी की वजह से नेशनल इमरजेंसी लागू, ब्रिटेन में आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की संभावना। इटली में भी गर्मी का कहर, इटली की सबसे लंबी नदी 70 साल की सबसे खराब सूखे से जूझ रही है। दलित मोदी संग अफेयर की खबरों के बीच सुष्मिता सेन ने तोड़ी चुप्पी, सुष्मिता ने अपनी दोनों बेटियों के साथ पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मैंने ना शादी की है और ना ही सगाई की है, मैं बिना शर्त के बहुत सारे प्यार सीख रही हूँ। आज मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अपना 39वां बर्थडे मनाने जा रही है, कैटरीना कैफ बर्थडे मनाने के लिए विक्की कौशल मालदीव रवाना, दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुआ खबर। पुष्पा का क्रेज अभी नहीं हुआ है खत्म, अल्लू अर्जुन की फिल्म ने बनाया अब नया रिकॉर्ड, 5 बिलियन व्यूज हासिल करने वाला भारत का पहला एल्बम बना, हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा भी पार किया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का नया गाना रिलीज, फिल्म का चौथा वेटेड गाना तुर्कलिया हुआ रिलीज, फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रणबीर कपूर ने शमशेरा को अब उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल फिल्मों में से एक माना है, फिल्म का टाइटल ट्रैक भी कल रिलीज हुआ है, इस फिल्म में रणबीर पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। टी20 वर्ल्ड 2022 के लिए जिम्बाब्वे और नीदरलैंड ने किया क्वालिफाई, इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है टी20 वर्ल्ड कप। सिंगापुर ओपन 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और HS प्रणॉय बाहर। ओडिशा के भुवनेश्वर में शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का आगमन, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वागत किया। अमेरिका में आज से शुरू हो रही है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नीरज चोपड़ा से भारत को पदक की उम्मीद।